जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ क्योंकि मैडम ने जो आज एडजन मोशन मूव की है, आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं आपको पेश नहीं कर सका। तो आपने तवज्जो दिलाओ नोटिस पे, आपने कहा कि आप भी उस पर बात कर लें। सर, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि सैलाब हमेशा कच्ची में आते हैं मगर वो लोगों के लिए बायस रहमत होते हैं, मगर बदकिस्मती से इस दफ़ा जो सैलाब आया है उसने हमें पिछले 50 साल पीछे वहाँ का जो गरीब है, वहाँ का जो काश्तकार है, वहाँ का जो ज़मींदार है, जो रहने वाला है, मालदार है, उसने पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है। और मुझे अभी पीडीएमए के मिनिस्टर साहब ने बताया कि 500 पैकेजेस की हमें रिक्वेस्ट आई डीसी कच्ची की तरफ से और वो 500 के बजाय हमने 700 भेज दी। मिस्टर मिनिस्टर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं मगर मुझे अफसोस है कि उनको वो तूफान एक समंदर का जैसे सुनामी आती है, इस तरह की सुनामी आई है वहाँ पे। क्योंकि कच्ची का जो पानी आता है वो नॉर्मल पानी नहीं होता है, ये पहाड़ों से आता है और गोली की स्पीड से आता है और ऐसे गुजर के चला जाता है। उसकी वजह से पूरा ज़िला मेरा मुतासर हुआ है जनाब। मैं इस ऐवान के तवसुत से वज़ीर आला साहब और पीडीएमए के चेयरमैन साहब जो हैं, काश के अगर वो यहाँ बैठे होते तो बेहतर होता, पूरा ज़िला मेरा उसका 80% उसके गांवों, उसके कैनाल, उसके ज़मीनें, उसके बंदात, उसके गंडा जात सारे अपने साथ बहा के ले गए। अभी हमारे लाडी साहब बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, लाडी साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें, इनका एक ऐसा पोर्शन सा है, ये वहाँ के ज़मींदार हैं, कोई बहुत बड़े ज़मींदार नहीं है, एक छोटे से हिस्से के एक मोज़े के ज़मींदार हैं। सिर्फ इनसे पूछ लेंगे इनका कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसके कितने गांव डैमेज हुए हैं, इसके कितने नाले डैमेज हुए हैं। मैं आपके तवज्जो से, इस ऐवान से, चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इमीडिएटली रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया, अभी मैंने जब बिल्डोज़र आवर्स के लिए रिक्वेस्ट की डेवलपमेंट फंड्स के लिए अपने इलाके के लिए, तो उन्होंने कहा जी गंडा जात भी बंद है और बंदात के लिए भी हम बिल्डोज़र नहीं दे सकते। तो सर, इसका मकसद सीधी सी है कि गवर्नमेंट्स की शायद उनको कच्ची की लोगों की और उसकी ज्योग्राफिया की शायद इल्म नहीं है या उनकी ज़रूरियात का इल्म नहीं है। मैं ये ऐवान से ज़रिए रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में कच्ची में आपको 10% भी पॉपुलेशन नहीं बचेगी। मैं ये बात आज यहाँ रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। और हुकूमतों का काम होता है कि अपने अवाम का, उनके मुफादात का, उनके रिज़िक का, उनकी नौकरियों का वो पाबंद होता है। ये हमारा आईनी हक है, ये लोगों का जायज़ हक है कि हुकूमत उनकी मदद करे। अगर वो नहीं करती है तो वो पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी करेगी, ये मौजूदा सूबाई हुकूमत उसके आईन को डिनाई करेगी जो इंसानी हकूक के तहत पार्लियामेंट ने दिए हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे वो खुद जाएं कच्ची, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो जाके फजाई जायज़ा लें, लोगों के हालात देखें, लोगों से उतर के खुद मिलें। अगर नहीं तो कम से कम एक कमेटी बनाएं जो जाके उस इलाके को देखे, उसमें नसीराबाद के भी बहुत सारे इलाके डैमेज हुए हैं क्योंकि वो साबका कच्ची था, हमारी मर्जी के बगैर उसको तोड़ा गया था, मगर फिर भी हमारे अवाम, हमारे वो लोग वहीं आज भी वहीं रहते हैं।
तो नसीराबाद का भी एक इलाका जो पहले कच्ची का हिस्सा था उसको तकसीम किया गया, वो भी बहुत डैमेज हुआ है। तो मुतल का दो तीन वजीर जाम साहब अपनी पार्टी के भेजे और वो जाके लोगों से मिले और लोगों को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ क्या नुकसान हुए हैं। और मुझे यकीन है, जाम साहब ने कहा था कि मैं आके आपकी तकरीर सुनूंगा, मगर क्योंकि इजलास आपने पहले शुरू कर दिया तो मैंने देखा कि दूसरी करारदाद आ जाएगी, मेरे रह जाएंगी। मैं जाम साहब अभी रिक्वेस्ट कर रहा था स्पीकर साहब को कि मेहरबानी करके इस वक्त ये जो 500 थैले आपने भेजे हैं, तो एक मिसाल देते थे पुराना कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा डालना, तो आपके हुकूमत ने ज़ीरा कच्ची के लोगों के मुँह में डाला है। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप खुद अपने रुफका को लेके कच्ची का एक फ़ज़ाई विज़िट ज़रूर करें और एक दो जगहों पे रुक के लोगों से हाल अहवाल करें, क्योंकि आप ज़िम्मेदार हैं, आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, इस सूबे के। मेरे से या दूसरों से सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आप पे बनती है, और फिर अल्लाह ने आपको इख्तदार दिया है तो अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदारी भी दी है, और उन गरीबों का हक देना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि नहीं तो फिर आप भी अल्लाह के सामने जवाबदार होंगे। और ये जाम साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उनको बिल्डोज़र नहीं दिए गए, उनको घंटे नहीं दिए गए, उनको दोबारा बहाली उनकी नहीं की गई, तो 90% लोग अभी भी 80% हैं चले गए पिछले 9 साल के कैद साली से। मगर उनको ये उम्मीद थी कि मेरा घर है, मेरा बंदात है, मेरे गंडे हैं, एक दिन बरसात होगी तो मैं दोबारा जाके अपने घर में बैठूंगा। मगर बदकिस्मती शायद अल्लाह हम पे राम फरमाए, हमारी शायद गुनाहों पे हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ या गुनाह हुए, एक तो 9 साल का कैद हुआ और ऊपर से ये सैलाब हुआ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक टीम बनाएं जो खुद जाए, बाय एयर जाए, बाय रोड जाए, जाके उन लोगों से मिले और उसके एस्टीमेट बनाए और उनके बहाली के इकदाम किए जाएं। और मुझे यकीन है कि जाम साहब फराग दिली के साथ उनकी बहाली के लिए इकदाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। सरदार साहब ने यहाँ बात की कि लैडी साहब का जो ज़मीन है, मैं तो अवरऑल अपने नसीराबाद के हवाले से बात की और अपने हलके के हवाले से बात की।